तो हरे कृष्णा एवरीवन, ये देख रहे हैं हम देख रहे हैं क्या मालूम है? ये है गिलगिट। अरे गिलगिट क्या है? गिलगिट गिलगिट नहीं है ना, ये है, इसको मैं छोटा कर देता हूँ ना, ये लो, ये होगा छोटा, ज़्यादा छोटा हो गया, दिख जाऊँगा इतना नहीं मास्टर, और बड़ा कर दीजिए लो। और अरे भाई भाई, यह है अफगानिस्तान, यह है चाइना, ठीक है, पाकिस्तान, यहाँ पर अफगानिस्तान टच करता है, ऊपर ताजिकिस्तान आता है थोड़ा बहुत, पर वो बॉर्डर शेयर नहीं करता है, पर आता है यहाँ तक, है ना? तो ये अफगानिस्तान इधर घूम जाता है और यहाँ ताजिकिस्तान आता है, भारत से शेयर नहीं करता सीमा, 106-107 किलोमीटर का सीमा साझा करता है सिर्फ अफगानिस्तान, है ना? इधर है चाइना, अब ये अक्साई चीन वाला रीजन है, ठीक है, और ये है गिलगिट बाल्टिस्तान वाला रीजन, है ना? यहाँ तक है कुछ करके, चाइना के पाकिस्तान के अंदर में ऐसा बोला जाता है, POK इसको बोला जाता है ना, POK, पाक अधिकृत कश्मीर, ठीक है। और यहाँ से शुरू होता है इंडस नदी, ये इंडस देख लो कहाँ कहाँ जा रहा है, लद्दाख में जा रहा है, हाँ जी लद्दाख में जा रहा है, गिलगिट में जा रहा है, हाँ जी गिलगिट में जा रहा है, फिर पाकिस्तान में चला जा रहा है ना, पाकिस्तान से होते होते हैदराबाद, हैदराबाद ये पाकिस्तान वाला है, अच्छा हैदराबाद से सीधे अरबियन सी में चला जाता है। ओके नाउ, अब एक है झेलम, झेलम यहाँ से शुरू होता है, ओके ये है झेलम, यहाँ है, ये है उलर लेक, ठीक है, और उलर के अंदर से पार होकर के आता है झेलम, ठीक है। एक है चेनाब, एक नदी है रेचना, ये दोनों मिलकर के चेनाब बनाती है ना। एक है ब्यास, देख लो कहाँ से आ रहा है, ये इंडिया का बॉर्डर है, इसके अंदर से तो कुछ उस पार से आ रहा है, मतलब कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश से आ रहा है, सेम चेनाब भी हिमाचल प्रदेश से आ रहा है, जम्मू कश्मीर को टच करता है, पंजाब से बहता है, सेम ब्यास का भी वही बात है, जम्मू कश्मीर को टच नहीं करता है पर पंजाब से आता है। उसके बाद है रावी और उसके बाद है सतलज, रावी ब्यास एंड सतलज, अच्छा पहले रावी आती है ना, मैंने उल्टा बोल दिया है, पहले रावी आ रही है, यहाँ देखो ये है रावी, ये है ब्यास, अमृतसर के आसपास से पार होकर के आती है ब्यास, और ये है सतलज, और सब आकर के सतलज में गिरती है और सतलज इन सबको इंडस में ले जाता है। तो ये कुछ नदियाँ हैं जिनका आप नोट्स चाहे तो बना सकते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, और ये है इंडस रिवर सिस्टम। तो एक बार फिर से बता देता हूँ कैसे याद रखना है, आपने कभी पढ़ा होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो इसको 3 भागों बांटो, एक बटो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आई फॉर इंडस, जे फॉर झेलम, सी फॉर चेनाब, और RBI पढ़ा होगा ना, हाँ तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ साउथ अमेरिका, तो RBS, ओके तो RBS से रावी ब्यास सतलज, ये क्रोनोलॉजी में है ऊपर से नीचे तक। अब कोई बोले कि नॉर्थ में कौन है साउथ में कौन है तो बता दो बोला, हाँ ये तो बता देंगे। हमें तो लग रहा है कि झेलम जो है श्रीनगर के आसपास से जा रहा है, हाँ जा रहा है, देखो ना यहाँ पे अब आसपास ही है, ओके। हमें तो ऐसा भी लग रहा है, कैसा लग रहा है कि क्या लग गया है, नहीं बना रहा है, पर झेलम बॉर्डर बना रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच में, हाँ थोड़ा समय बना देता है, थोड़ा समय बना देता है, चिंता नॉट, थोड़ा समय बना देता है, झेलम जो है बॉर्डर बना देता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो आप देख रहे हैं ये है श्रीनगर, इस्लामाबाद इसके बगल में है, इस्लामाबाद झेलम और इंडस के मध्य में आता है, ठीक है, मतलब झेलम ऊपर है, इंडस उसके ऊपर है और इस्लामाबाद उसके मध्य में है। इस्लामाबाद इंडिया में है क्या? नहीं है। श्रीनगर इंडिया में है क्या? हाँ बिल्कुल है। गिलगिट दिख रहा होगा,
गिलगित और गिलगित बाल्टिस्तान उसे वाले रीजन को बोलते हैं। अच्छा, गिलगित से भी एक नदी आती है जिसका नाम है गिलगित। ओके, तो ये गिलगित अगर कहाँ मिलती है, इंडस में मिलती है। अच्छा, इंडस की कोई और ट्रिब्यूटरी है कि? हाँ, जांस्कर है एक तरफ, सियोक है ना एक तरफ, गिलगित है। ओके, और ये क्या है? ये काबुल है, अफगानिस्तान के काबुल से होते हुए काबुल नदी आती है जो कि इंडस में ही मिल रही है। मतलब काबुल भी इंडस में मिल रही है। झेल और झेलम भी, चेनाब भी, रावी भी, सतलज भी, मतलब रावी झेला झेलम सतलज में आकर के मिल जाती हैं और सतलज जा करके इंडस में मिल जाता है। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ, ऐसा ही। तो ये सतलज का मैप है। सो ये हो गया इंडस सिस्टम। और आप देख रहे थे हमें जिस चैनल पे, उसका नाम है ओइकोस। ठीक है, ये सारे वीडियो को मैं किसी दिन दूसरे चैनल पर डाल दूंगा, तो नाम तो वही बोलूँगा ना, बीच में थोड़ी बदल जाऊँगा। हाँ, ये भी ठीक बोल रहे हैं आप। तो आप इस चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। आपकी मेहरबानी। ओइकोस।